ग्राम पंचायत लिमतरा में गुरु घासीदास सतनाम मेला समापन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत अपने समर्थकों के साथ ग्राम लिमतरा पहुंचे, जहां मुख्य अतिथि डॉक्टर चरणदास महंत के द्वारा जतखम्ब एवं गुरु घासीदास बाबा जी के तैलचित्र की पूजा अर्चना श्रीफल तोड़कर आरती उतारकर पूजा अर्चना की। गुरु घासीदास सतनाम मेला समापन कार्यक्रम में नन्हे मुन्ने बच्चों के द्वारा पंथी नृत्य कार्यक्रम किया गया। नन्हे मुन्ने बच्चों के पंथी नृत्य कार्यक्रम को देखकर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत उन बच्चों की प्रशंसा करते हुए कहा कि गुरु घासीदास बाबा जी के बखान को बच्चों द्वारा प्रस्तुत किया गया है, यह बहुत ही सराहनीय है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत के द्वारा ग्रामवासियों को बाबा गुरु घासीदास जी दिखाए गए पैच, गुरु घासीदास जी के दिखाए हुए मार्ग पर सभी को चलने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि बाबा गुरु घासीदास बाबा जी का एक ही सपना था, मन के एक समाज। बाबा जी का जन्म ऐसे समय पर हुआ जब समाज में छुआछूत ऊंच नीच झूठ कपट का बोलबाला था। गुरु घासीदास बाबा जी ने ऐसे समय में समाज को एकता भाईचारा समरसता का संदेश दिया। गुरु घासीदास बाबा जी का जन्म 18 दिसंबर सन 1756 में छत्तीसगढ़ राज्य के बलौदा बाजार जिला के गिरौतपुरी गांव में हुआ था। गुरु घासीदास बाबा जी ने दलित शोषित पीड़ित समझे जाने वाले लोगों को शिक्षित करने में लगे थे। मानव में छुआछूत ऊंच नीच का भेदभाव व्याप्त न हो, उनकी अज्ञानता को दूर करने के लिए गुरु घासी बाबा दास जी का अवतरण हुआ। मुझे आमंत्रित किया था कि यहाँ गुरु बाबा घासीदास जी का मेला लगा है, आपको आना है, और इस बहाने मैं आया हूँ। मुझे बड़ी खुशी हुई, भव्य मेला लगा हुआ है और यहाँ सचमुच में सर्व समाज के लोग गुरु बाबा घासीदास के संदेशों को सुनने के लिए जानने के लिए पधारे हुए हैं। हमारे सब साथी आए थे, सबको इस समाज ने बहुत कुछ दिया है और हम सब लोग मिलकर इस समाज को बहुत कुछ देना चाहते हैं, एक साथ रहना चाहते हैं, एक साथ जीना चाहते हैं, हमारे बीच के भाईचारा को बढ़ाना चाहते हैं और कहीं छोटी मोटी दूरियां हो गई होंगी उसको खत्म करना चाहते हैं।